नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के कल्याण में डांस बार पर थिरकती लड़कियों पर उड़ाए जा रहे लाखों रुपए। स्थानीय लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन कर किया गोरख धंधे का पर्दाफाश। महाराष्ट्र के कल्याण में कई सालों से चल रही डांस बार की अब पोल खुल चुकी है। ठाणे से सटे कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और आसपास के इलाकों में फिर से कई डांस बार खुल चुके हैं। यहाँ खुलेआम लड़कियां तेज संगीत की धुन पर अश्लील हाव भाव करती देखी जा सकती हैं। यहाँ आने वाले इन लड़कियों पर पैसे लुटाते भी देखे जा सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि खुलेआम चल रहे इस गोरख धंधे से स्थानीय पुलिस पूरी तरह से बेखबर नजर आ रही है। तुरंत वहाँ पर चले जाएंगे। इसके लिए हमने लोगों को भी जागरूकता बनाने वाली है, जाहिरात निकालने वाले हैं कि कोई ऐसे इसमें ना फंसे। सर, अभी जो ठाणे में के एक व्यक्ति जो आते वक्त उसके साथ में कुछ हादसा हुआ था, जिन्होंने एक वीडियो वायरल किया है अपने इधर के उल्लासनगर के एक डांस बार के ऊपर, तो उसकी कुछ तहकीकात या उसमें कोई कंप्लेन आया भी है तो हमारे तुरंत वाके पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और मानसिक पीछे वहाँ पर गए थे, वहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिला है और वैसा रिपोर्ट उन्होंने दर्ज भी किया है। कल्याण, भिवंडी, विठलवाड़ी, उल्लासनगर, ये जो थाने जिले के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर जो देखा गया है कि हमने कुछ रोज पहले जब हम खुद वहाँ से आ रहे थे तो हमने देखा कि रात के 2:30-3 बजे वहाँ पर कुछ लोग दंगा कर रहे थे, कुछ शराब पीकर जो है आसपास लोगों को तकलीफ दे रहे थे। थोड़ी सी जानकारी लेने पर यह पता चला कि वहाँ पर डांस बार जो है वो बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहाँ पर जो लड़कियों का डांस चल रहा है, खुलेआम करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं और ये जो है महाराष्ट्र शासन के जो है बंदी आदेश होने के बावजूद ये सब चल रहा है और ये वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमने कुछ अपने लोगों के माध्यम से जो है एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसकी फिल्म हमने पुलिस को दिखाई, तब जाकर पुलिस कहीं ऐसा होने की आशंका जता रही है। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही।